अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। मैं आप को आज हमारे कोलार डिस्ट्रिक्ट मुलबागल में जो हर साल उर्स मनाया जाता है, हज़रत बाबा हैदर सफदर वली रहमतुल्लाह अलैह का, वो इस बार भी बड़े शोर शोर से मनाया जा रहा है। तो बाबा हैदर सफदर की कुछ तारीख़ी मालूम मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके ट्रू चैनल से। हज़रत बाबा हैदर सफदर रहमतुल्लाह अलैह आप लोग को ईरान साबुनात के बादशाह थे, राह अहमद सल्तनत से सरदोश होकर फ़खरी इख्तियार की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम फैलाने के लिए हिंद की राह ली। इस वक्त दिल्ली में गयाज़ुद्दीन बलबन की हुकूमत थी और जनूब में अली बिन हुसैन अल सल्तनत की हुकूमत थी। इंसानियत के अजीम रहबर आले नबी औलाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी हयात मुक़द्दसा में लाखों इमरान को खुदा के सिरात मुस्तकीम पर चलने की राह दिखाई और दीन इस्लाम से सरत सरफराज फरमाया और आपको औलिया अल्लाह की महफिल में सर खलंदर का रुतबा हासिल हुआ। आपका विसाल 11 रजब 660 पर 9 के मुताबिक 1260 पर 9 हुआ तो बाबा फखरुद्दीन पिनगुंडा ने तमाम मुरीदों और अहले इस्लाम को साथ लेकर संदले शरीफ मनाया। तब से लेकर आज तक यही सिलसिला कायम है और हर साल 11 रजब को उर्स मनाया जाता है। हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह और सैयद फतेहुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह इनके साथी हैं। यहाँ हर बंदगान खुदा को रूहानी फैज़ याबी हासिल हो रही है। तो ये रहे उनके कुछ तारीख़ी मालूमात और आप देख सकते हैं वहाँ के सीधे सीधे पूरा वीडियो और वहाँ पर जो फुखरा जो बिस्तर लगाए हुए हैं, जो फुखरा के चार जमायत होते हैं, उन जमायतों ने वहाँ पर सलामी देते हुए वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कम से कम मुलबागल का हज़रत हैदर सफदर औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 18 दिन का यह उर्स का मेला चलता रहेगा। तो मैं आज आपको जो उर्स के वक्त यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वो वीडियो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा नाम सैयद सबीरुल्लाह शाह सदर सर खलीफ रफाई अहमद अल कादरी सदर चौक पिनगुंडा शरीफ पिनगुंडा के रहना हूँ। पिनगुंडा शरीफ मकाम चनपटना कर्नाटक रहते हैं और यहाँ सैयदना बाबा हैदर सफदर सहरुद्दीन क़द्दसल्लाज़ीज़ का उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी शुरू हुआ है। यहाँ का उर्स रजब की चांदरा से शुरू होकर 18 रजब तक यहाँ उर्स कार्रवाई चलते रहेंगे। असल जो संदल है 24 फरवरी को असल संदल है, तो यहाँ पर फुखरा के बिस्तर 18 दिन लगते हैं और 18 दिन रहते हैं। तो हमारे ग्रोह सिलसिले हमारे रफाई जो हमारा सिलसिले रफाई है और हमें यहाँ बिस्तर डालकर यहाँ खिदमत करते हुए यहाँ से 18 दिन के बाद चांद के 18 तारीख को यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। शुरुआत आज से शुरुआत चांद की चांद रात से शुरुआत है। चांद रात से आज कितने दिन गुजर गया आज को तुम्हारा बिस्तर? हमारा बिस्तर आज लगा है चांद रात को बानवा जमा का चांद रात को बिस्तर लगता है। बाकी के जो शाह जलाल है, शाह रफाई है, शाह अल तबकात है, ये 7 रजब को बिस्तर लगता है। 7 रजब से लेकर 18 रजब तक हम अपने अपने चौकों को अपनी अपनी जमा को साथ लेकर खिदमत यहाँ की जो बुजुर्गों की खिदमत जो कदीम से चली आ रही है उस रीत रिवाज को लेकर वो खिदमत करते हुए हम यहाँ से 18 चांद के 18 तारीख को हमारे यहाँ से रुखसती होती है। आपका कौन सा तबका है? हमारा ग्रोह रफाई है। ग्रोह रफाई, रफाई अलग 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 जगह अलग अलग जगह है। बानवा अलग है, शाह जलाल अलग है, शाह रफाई ये हमारा अपना है और शाह अल तबका बाजू है। वो अपने अपने अलग अलग रसूमात रहते हैं, अपने अपने अलग अलग बिस्तर रहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया।
मुलबागल बाबा हैदर सफदर का दरबार ऐसा है कि वहाँ पर वहाँ के राजा औरंगजेब भी आए हुए थे, तो वहाँ से जाते वक्त उनकी एक अमल था बाबा औरंगजेब के, जहाँ भी जाते तो औलिया इकराम को मज़ारात पर सलाम करते, तो वहाँ पर सलाम का जवाब आता तो उस दरबार को खाइन रखते, अगर सलाम का जवाब ना आता तो मसमार कर देते थे। तो हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि वहाँ पर आकर बाबा हैदर सफदर के दरबार से जाते वक्त सलाम करते गए तो आज सलाम का जवाब नहीं आया, तो फिर आने के वक्त उसी मज़ार शेख होकर बाबा हैदर सफदर के हाथे निकल कर मुसाफिर के लिए हाजिर हो गए, तो कहने लगे अए बंदे मैं नमाज पढ़ा तो उस वक्त सलाम किया था, तो अब मैं आप मुसाफा कर रहा हूँ और दुआएँ कर रहा हूँ। तो ऐसे हमने बुज़ुर्गों ने सुना है, और ये भी हमने देखा है कि वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आकर वहाँ पर दुआओं के लिए कतार में खड़े हुए देखा था, और हाल ही में उनके पुत्र राहुल गांधी भी आए थे वहाँ पर। हर वक्त के राजा महाराजा वहाँ पर आकर दुआओं के लिए कतार में खड़े हुए देखे हैं। तो ऐसा दरबार है हज़रत बाबा हैदर सफदर का, वहाँ के उर्स के तकरीबात के पूरे तैयारी चल रही है, तो उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं।